DR Cinepics YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए वीडियोज की श्रृंखला के वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं, लेकिन आज हम हमारे गांव का जो एक धार्मिक स्थल है नंदेरा डूंगरी, उसका व्लॉग लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है नंदेरा डूंगरी पंचायत समिति बांदी की, जिला दौसा, राज्य राजस्थान में। यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है। आप देख सकते हैं, ये गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप, एक प्राचीन छतरी है जिसका निर्माण लगभग 15-20 साल पहले हुआ है। ये हवा महल कहते हैं इसको क्षेत्रीय भाषा में, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी हवा लगती है। ये व्यू आप देख सकते हैं, पहाड़ी की छोटी सी लिया गया दृश्य। आप देख सकते हैं सामने की ओर बांदीकुई कस्बा है। हम आपको बता दें कि बांदीकुई में सर्वप्रथम रेल लाइन का विकास हुआ था और पहली रेलगाड़ी बांदीकुई से आगरा के बीच चलाई गई थी राजस्थान में। तो बांदीकुई कस्बा पूरे राजस्थान में रेल लाइन के लिए अपनी पहचान रखता है। बांदीकुई को वैसे रेल नगरी के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी हरियाली है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं एक पार्क में जो अभी अभी विकसित हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये एक पार्क है जिसको अभी निर्मित हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग 1-1.5 साल का समय हुआ है। बहुत खूबसूरत पार्क यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठने के लिए पत्थर की चेयर भी बिछाई गई है। ये यज्ञशाला है, यहाँ पर कभी यज्ञ हुआ करते थे। फिलहाल इसका जीर्णोद्धार किया गया है यहाँ पर। बीच में रैंप का भी निर्माण किया गया है और रंग बिरंगी लाइट यहाँ पर लगाई गई है पार्क में। आप देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है ये। लोग अपनी मनोती मांगने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। आइए अब हम आपको पथवारी माता का मंदिर दिखाते हैं। ये पथवारी माता यहाँ पर गांव वाले पूजते हैं। जब भी कहीं गांव से बाहर जाते हैं तो यहाँ करके पथवारी माता को पूजा जाता है। यहाँ पर एक प्राचीन कुंड भी है। आप देख सकते हैं, ये एक प्राचीन कुंड है। इसमें कभी पानी भरता था, लेकिन बरसात की कमी के कारण अब नहीं भरता है। ऊपर बालाजी का मंदिर है। भक्त मनोकामना मांगने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये बालाजी महाराज का मंदिर है। भक्त यहाँ पर अपनी मनोती मांगने के लिए आते रहते हैं। सुबह शाम यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। Thank you.
देख सकते हैं, ये एक प्राचीन दोना है संत महाराज का। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं यहाँ पर विराजमान हैं। सामने कुछ धर्मशालाएं बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी मनोरम हरियाली मौजूद है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर संत महाराज की समाधि भी बनी हुई है और एक बहुत खूबसूरत प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान है, यहाँ के प्राचीन संत की, श्री कल्याणदास जी महाराज की। डूंगरी के चारों ओर परिक्रमा देने के लिए यहाँ पर परिक्रमा पथ का निर्माण भी किया गया है। हम आपको बता दें नंदेरा डूंगरी में सितंबर 2018 में एक बहुत बड़ी कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जो शायद पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी कलश यात्रा थी। उस टाइम 11,000 से ज़्यादा कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी और एक भागवत कथा का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दृश्य है यहाँ पर नंदेरा डूंगरी पर। वैसे नंदेरा डूंगरी में कदम के जो वृक्ष हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा धौंप के और शीशम के पेड़ भी नंदेरा डूंगरी में मिलते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।